हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेक लोन एप्लीकेशन के बारे में। बात इस करके करेंगे कि हम कभी भी प्ले स्टोर पर किसी भी लोन को अप्लाई करते हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि जो लोन एप्लीकेशन है वो फेक है या रियल है। अगर आपको भी किसी प्रकार से किसी एप्लीकेशन में अपना डाटा डाल देते हैं, अपना डाटा फिल कर देते हैं और अगर गलती से भी वो एप्लीकेशन फर्जी निकली तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। वीडियो 10 मिनट की बनेगी, सिर्फ पूरी देखना। अगर पूरी देखोगे तो फ्यूचर में कभी भी आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले भी लोगे तो आप कभी भी किसी चीज़ का आपकी दिक्कत नहीं होगी और ना ही आपको किसी हरासमेंट का शिकार होना पड़ेगा। या आप देख सकते हैं वर्तमान समय में ज़्यादातर लोन ऑनलाइन लोन लेते हैं क्योंकि अधिकतर लोन जो लोग हैं वो ऑनलाइन लोन लेना पसंद करते हैं। क्यों इस करके पसंद करते हैं? क्योंकि उनको जो वो है इंस्टेंट ही लोन मिल जाता है और वो इंस्टेंट के चक्कर में उनको ये नहीं पता होता कि जो लोन है हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ अप्लाई करना है, ये नहीं पता NBFC पर अप्लाई करना है या RBI रजिस्टर्ड कंपनी पर अप्लाई करना है या फेक लोन अप्लीकेशन पर अप्लाई कर देना है। सिर्फ उठाया, पैन कार्ड डाला, आधार कार्ड डाला और अप्लाई कर दिया। बाद में वहाँ दिखाएगा अबाउट में 91 डेज, उसके थोड़ी सी देर बाद जब लोन अप्रूवल हो जाएगा तो वहाँ पे दिखाएगा 7 डेज। अब क्या करोगे 7 डे? 7 डे में अगर आपके पास पेमेंट ना हो पाई तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो हरासमेंट का शिकार होना पड़ेगा ना। उसके बाद तो फिर आप भी कहोगे कि मेरे पास पेमेंट तो है नहीं। उसके बाद नहीं होगी तो उसके बाद क्या होगा? कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली जाएगी। हैक करने के बाद आपके जितने भी फ्रेंड या कितने भी ग्रुप में या आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे उनके पास कॉल जाना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले कॉल जाएगी, अगर आपने उनका उसके कुछ टाइम तक पेमेंट नहीं करी तो उसके बाद जो मैसेज है वो भी जाने शुरू हो जाएंगे। और मैसेज क्या जाएंगे कि ये इस बंदे ने हमारे से लोन लिया, ये बंदा फ्रॉड है, हमारा इतने का लोन लेकर भाग गया है और उसके अंदर कुछ गलत भी मेंशन होगा और आपकी वो पूरी वहाँ पे बेइज्जती करेंगे, मतलब कि ऐसे ऐसे करके। अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है या आपको आपके पास आप सोच रहे हो कि ये मैसेज आएगा तो आप तो बेधड़क होकर लोन को वहाँ पे ना भी अगर वापस ना भी करेंगे तो भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जिसको ज़्यादा दिक्कत होगी, अगर जिसको अपनी इज्जत की होगी वो तो परेशान होगा ही ना कि मतलब कि सारे में मैसेज जाएंगे वो जाएंगे जब मैंने। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये आएगी कि उस एप्लीकेशन से लोन लिया ही नहीं, उस एप्लीकेशन से तो लोन लिया ही नहीं तो फिर लोन किस चीज़ का देना है। और सबसे बड़ी गलती करते हैं हम, जब हमारे पास किसी चीज़ का लिंक आता है तो हमें उस लिंक को ओपन नहीं करना होता। उनके पास डाटा कैसे लीक होता है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर किसी फेक एप्लीकेशन का लिंक आता है हम इसको ओपन करते हैं, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं वो सारा जो अलाउ का ऑप्शन होता है वो अलाउ करवा के वो सारा डाटा उस फेक कंपनी के पास चला जाता है। जब वो फेक कंपनी के पास डाटा चला जाता है उसके बाद वो वहाँ पे लोन मेंशन कर देंगे। आपने नहीं भी लिया होगा तो भी वहाँ पे लोन मेंशन हो जाएगा और उसके बाद वो आपको दिखाना पड़ेगा, जबकि आपके अकाउंट में लोन नहीं आया होगा तो भी वहाँ पे आपको ये दिखाएंगे। उसके बाद नहीं दोगे तो हरासमेंट का शिकार करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे। और गलती से भी अगर आपने फ़ोन बंद कर दिया तो 100 में से 100% जो मैसेज है वो अगले दिन ही सारे फ्रेंडों पे चला जाएगा और 100% जाएगा। ये नहीं है कि नहीं जाएगा, 100% जाएगा ही जाएगा। और इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको कहीं से भी लोन को अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसका रिव्यू चेक करें, प्ले स्टोर पर जाएं, यूट्यूब पे चेक करें। अगर आपको दिख रहा है कि किसी ने लाइव लोन लेके वहाँ दिखा रखा है, हाँ ओके है, उसकी कम से कम 50 से 100 वीडियो बनी है तो ही उसमें लोन को अप्लाई करें, वरना आपके साथ बहुत बड़ा दिक्कत आ सकती है बाद में। क्योंकि आप तो लोन अप्लाई कर दोगे पर आपको तो ये नहीं पता होता कि लोन एप्लीकेशन कौन सी है, बस उठाया लोन एप्लीकेशन डाल दी। अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो बनाई है वंडर लोन एप्लीकेशन की, सेम वही कारण वहाँ पे हुआ। एप्लीकेशन लोन दे रही है, NBFC रजिस्टर्ड है, पर जो लोन है वो सिर्फ 7 दिन का लोन है। अब आप खुद बताओ, एप्लीकेशन NBFC है, सारा कुछ है, पर 7 दिन का लोन है, पर उसका क्या करोगे? जब उन्होंने लोन दे दिया 7 दिन का तो हमें पे तो करना पड़ेगा, अगर नहीं पे करेंगे तो फिर वही कॉल इधर से उधर या फ़ोन करेंगे या वो करेंगे। सिर्फ मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है और बाकी RBI ने काफ़ी एप्लीकेशनों पर रोक भी लगा दी है। सिर्फ वीडियो को पूरा देखना, सिर्फ 1 से 2 मिनट की वीडियो हो रहा है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो फ्यूचर में आप कभी भी कहीं भी किसी भी वजह से आप लोन अप्लाई करोगे तो आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कभी भी लोन अप्लाई करना है तो प्ले स्टोर पर जाके सबसे पहले उसकी रेटिंग चेक करें, अबाउट पर जाएं, अबाउट पर जाकर उसके NBFC चेक करें। क्योंकि अब RBI की तरफ से जो गाइडलाइंस आई थी उन्होंने सिर्फ यही बोला था
कि जिस कंपनी को भी आपको लोन देना है तो उसको अपनी NBFC दिखानी पड़ेगी। काफ़ी टाइम पहले वो शो नहीं होती थी, पर अब शो होती है। अगर आपको दिखता है कि ये एप्लीकेशन जेन्युइन है तो आप वहाँ पे बेधड़क होकर अपना जो पैन कार्ड आधार कार्ड है वहाँ पे फिल कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो आप प्ले स्टोर पर यूट्यूब पर भी जाके उसकी वीडियो कम से कम 5-7 वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी ने लाइव लोन ले रखा है या दे रखा है तो आप आसानी से वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि लोन की सबको इमीडिएटली जरूरत पड़ती है। पर ये नहीं है कि उसका आप गूगल पे जाके चेक करो या वहाँ से अप्लाई कर दो या कहीं से अप्लाई कर दो या किसी का लिंक आया उसको ओके करा। अगर लगता है कि वो लिंक सीधा प्ले स्टोर पर जा रहा है और वो एप्लीकेशन आपको लग रहा है कि वो यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, रेटिंग है या उनके कमेंट अच्छे हैं, तो ही आप उस एप्लीकेशन पर जाकर उसको अप्लाई करें, वरना उसको अप्लाई ना करें। अगर आपको ज़्यादा ही पैसे की इमरजेंसी है तो आप किसी से लेकर अपना काम चला सकते हैं। पर अगर इस झंझट में पड़ गए या कोई फेक एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ गए तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड और आधार कार्ड वो तो ख़राब करेंगे और डाटा लीक करेंगे, कहाँ करेंगे वो उसका कुछ नहीं पता। इसीलिए सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि कहीं भी आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो सिर्फ चेक करके, सारा को चेक करके देखो कि वो एप्लीकेशन जेन्युइन है नहीं है। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी वीडियो डाल दिया पर एक भी वीडियो मेरी फेक नहीं है, क्योंकि मैं व्यू के लिए काम नहीं करता। मुझे ये नहीं है कि कोई मेरी वीडियो देखे, पर मेरी वीडियो कुछ ही चलती है, इतनी ज़्यादा नहीं चलती, पर मैं रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई भी देता हूँ तो रियल इन्फॉर्मेशन पहले भी दी थी, अब भी दी थी। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी ऐप है, ये सारी बैन पड़ी है, किस किस नाम पर है, क्वालिटी क्या है, टाइम लाइन, ये सारी एप्लीकेशन फेक है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। प्ले स्टोर पर आपको जो अच्छी एप्लीकेशन है वही मिलेगी। कुछ एप्लीकेशन इसमें से हो सकती है, 5-4 एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर हो, पर वो भी वहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। और अगर मेरी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो या आपको कुछ मेरी वीडियो से सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कॉमेंट कर पूछ सकते हैं, उसका मैं 5-10 मिनट के अंदर ही रिप्लाई कर दूँगा। मैं और चैनल की तरह नहीं करूँगा कि आपने कॉमेंट कर दिया तो 10 दिन बाद उसका रिप्लाई आएगा, आपका रिप्लाई उसका सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर ही आपका उसका रिप्लाई आ जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।